पत्रकारिता की किताबों में जोर शोर से पढ़ाया जाता है कि तथ्य पवित्र हैं और विचार स्वतंत्र, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। आप अपने विचार किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्या दुराग्रह और पूर्वाग्रह से ग्रस्त विचार कभी स्वस्थ अभिव्यक्ति को बयां कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक खबर पिछले कुछ दिनों से खासी चर्चा में है और वो खबर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट से निकल कर सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जातीय स्वाभिमान का असर व्यक्ति की उम्र पर भी पड़ता है, यानी दलित और शूद्र जाति के मुकाबले सवर्णों की उम्र ज्यादा होती है। पहले आपको इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़ों को बताते हैं, उसके बाद इसके पीछे की बाजीगरी समझाते हैं। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू जनरल में छपे एक शोध के अनुसार भारत में सवर्ण जाति के लोग अनुसूचित जाति और जनजातियों के मुकाबले औसतन 4 से 6 साल ज्यादा जीते हैं। वहीं सवर्णों के मुकाबले मुसलमान 2.5 साल कम जीते हैं। अध्ययन के दौरान साल 1997 से 2000 और 2013 से 2016 के बीच किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों की जब तुलना की गई, तो पता चला कि साल 1997 से 2000 के दौरान पुरुषों के मामले में जीवन प्रत्याशा सवर्णों में 62.9 साल थी, जबकि अनुसूचित जाति में 58.3 साल और जनजाति में 54.5 साल थी। वहीं दलितों के मुकाबले मुस्लिमों की स्थिति थोड़ा बेहतर थी। मुस्लिमों की जीवन प्रत्याशा 62.6 साल थी और ओबीसी की 60.2 वर्ष सामने आई। वहीं 2013 से 16 के सर्वे के मुताबिक सवर्ण पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 69.4 साल, मुस्लिम पुरुषों की 66.8, ओबीसी की 66 और अनुसूचित जाति की 63.3 और जनजाति की 62.4 थी। वहीं अगर बात महिलाओं की करें तो साल 1997 से 2000 के बीच महिलाओं की औसत उम्र 64.3 वर्ष, मुस्लिम महिलाओं की औसत उम्र 62.2 वर्ष, ओबीसी महिलाओं की औसत उम्र 7.7 वर्ष, अनुसूचित जाति की औसत उम्र 58 और जनजाति की महिलाओं की औसत उम्र 57 साल थी, जबकि 2013 से 16 के बीच सवर्ण जाति की महिलाओं की औसत उम्र 72.2 वर्ष, मुस्लिम महिलाओं की औसत उम्र 69.24, ओबीसी महिलाओं की औसत उम्र 69.4, अनुसूचित जाति की 67.8 और अनुसूचित जनजाति की 68 साल थी। आपको सरकारों और मीडिया के दिवालियेपन का एक जीता जागता प्रमाण दिखाते हैं। इन आंकड़ों को जिस तरह से कॉस्टिज्म डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो दरअसल सरकारों की असफलता है। उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का सवाल है जो धर्म और जाति की सियासत करते नहीं थकते। इन आंकड़ों के बीच एक सवाल है कि जब जातीय विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, खासकर उन तमाम तबकों के लिए जो समाज की मुख्यधारा से जुड़े नहीं है, उसके बावजूद साल 1997 से 2016 के बीच जीवन प्रत्याशा का यह आंकड़ा 4.6 साल से बढ़कर 6.1 साल कैसे हो गया? सीधी सी बात है, मंडल कमीशन से लेकर आरक्षण तक के वो तमाम फैसले इसलिए लिए गए थे ताकि समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए इन तमाम तबकों के जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनके आर्थिक स्तर को सुधारा जाए और उनको उन तमाम सुविधाओं के साथ जोड़ा जाए जिससे वे समाज के मध्यम और उस तबके के बराबरी से आकर खड़े हो सके। लेकिन अगर आजादी के 75 सालों बाद भी आप इस आरक्षित तबकों के सामाजिक और जीवन स्तर में इजाफा नहीं कर पाए तो इन सरकारों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। उन तमाम राजनेताओं के लिए जो इन्हीं की जाति पर अपने वोटों की सियासी फसल सींचते हैं, उनके लिए भी ये शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा उस विद्वत तबके के लिए भी शर्म की बात है जो इसे जातीय स्वाभिमान से जोड़ रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट।